भाइयों नमस्कार, जय हिंद। आप सारे भाइयों को पता है कि एसआई भर्ती को लेकर हम दोनों भाई भास्कर फ्लाईओवर के पास पानी की टंकी पर है, लेकिन कल प्रशासन ने और सरकार के नुमाइंदों ने मुख्यमंत्री जी से मिलाना उचित नहीं समझा और हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया, जिसका नतीजा यह रहा कि आज लगभग 20 घंटे होने को है हम अपनी मांग पर अड़ी गए कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात करवाइए, मुख्यमंत्री जी से भर्ती रद्द की घोषणा करवाइए। उनकी फाइल टेबल पर है, सिर्फ उनको साइन करने हैं, फाइल भर्ती पदोन्नति बोर्ड को भेजनी है, आरपीएससी को भेजनी है। एक साइन के लिए मुख्यमंत्री जी ने अपनी कलम को रोक रखा है। साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, पूरे प्रदेश में आप कोने कोने से जहाँ भी जिस स्थान से हैं, आप अपने उपखंड मुख्यालय पर और जिला मुख्यालय पर एसडीएम और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम एसआई भर्ती रद्द को लेकर ज्ञापन देवें। हमारी जो मांगें हैं हमने ज्ञापन में मेंशन कर रखी है, ये सारी मांगें आप ज्ञापन में लिखें और प्रत्येक जिला मुख्यालय पर, उपखंड मुख्यालय पर आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देवें। आज 11-12 बजे तक आप सब लोगों की जिम्मेदारी है कि आप यह काम करें। हम यहाँ पर मजबूती से रुके हुए हैं और आगे देखते हैं कि स्थितियाँ किस तरह बनती हैं। साथियों, हमने कल सुबह से खाना नहीं लिया है, सुबह का खाना भी नहीं खाया था कि ऊपर चढ़ रहे हैं, क्या पता क्या अव्यवस्थाएँ हो गई, तो भूखे जाना ठीक रहेगा। तो हमारी आखिरी उम्मीद आप सब लोग हैं, क्योंकि राजस्थान में तो भाजपा ने अखाड़ा बना दिया है, एक की जगह बी परीक्षा दे रहा है, नौकरी एक कर रहा है, 40-40 लाख में पेपर बिक रहे हैं, 30 दिन पहले पेपर सीधे आरपीएससी से आउट हो रहे हैं, एसओजी पीएचक्यू एजी मंत्रियों की कमेटी कर रही है, मंत्री कह रहे हैं लेकिन सरकार मौन है। उसके पीछे का कारण एक बड़े मंत्री का दबाव, एक बड़े अधिकारी का दबाव, जिसका आप नहीं पूरे प्रदेश को मालूम है। मेरा यही निवेदन है आप सारे साथियों से, जिस तरह आपने पूरे मुद्दे को सोशल मीडिया पर ज्वलंत बनाया हुआ है, आगे भी इसी तरीके से आप पूरा सहयोग और समर्थन करें। प्रत्येक उपखंड और जिला मुख्यालय पर आज 11-12 बजे तक आप लोग ज्ञापन देवें, वीडियो बनावें और अपने स्थानीय प्रिंट मीडिया में उसे पब्लिश करवाएं। मेरे साथ लादू भाई हैं, जिस तरह हम लोग पूरी मजबूती से जुटे हुए हैं। साथियों, 2021 से हम ये दर्द झेल रहे हैं, आखिर सरकारें ये बेबसी लाचारी तो सुने। हमारे पास हमारा ये वो है कि हमारे पास पैसे पेपर लेने के नहीं हैं और सरकारें मुकदमे के एफआईआर के जेल की सलाखों में डालने के लिए धमकियां देती हैं। अगर बेरोजगारों के लिए और खुद के लिए आवाज़ उठाना गुनाह है, तो वो हम सारे आरोप सरकार के और सारी सजा भुगतने को तैयार हैं। हमें फांसी के फंदे पर लटका दे, गोली मार दे, हमें एफआईआर कर दे, पूरी ज़िंदगी हमें जुडिशियल कस्टडी में निकाल दे, 3-5 साल की सजा कर दे, हमें कोई परवाह नहीं है। प्रताप सिंह बारठ की पंक्तियां याद आती है कि एक माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुला सकते, वही कुछ पंक्तियां हमारे साथ चरितार्थ हो रही है। साथियों, निवेदन है, यह बड़ा दर्द है, तमाम तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं, एससीपी से लेकर डीसीपी से लेकर सब लोग एक ही कयास में कि इनको कैसे उतारा जाए, लेकिन हमारी मांग है कि सीधी मुख्यमंत्री भर्ती रद्द की घोषणा करें, हमसे मुलाकात करें, क्योंकि सब कुछ हो चुका है, डेलीगेशन का अब ये समय नहीं बचा माननीय मुख्यमंत्री जी, अब समय आपके फैसले लेने का है। युवाओं ने तो खून से खत लिख दिए, लेकिन आपकी शायद कलम की स्याही सूख गई है। मैं निवेदन करना चाहूँगा प्रशासन के नुमाइंदों से, मुख्यमंत्री जी से अगर आप मिलवाते हैं तो हमारा प्रतिनिधिमंडल 4-5 आप जितने लोग कहें उतने लोगों का प्रतिनिधिमंडल जाने को तैयार है। बाकी हमारी एक ही मांग है, भर्ती रद्द की जाए। आगामी उपचुनाव सामने, 7 सीटों पर जो भी छात्र हैं, जो भी उस एरिया की उस विधानसभा से आते हैं, मजबूती से अपना पक्ष रखें और मतदान का बहिष्कार करें, क्योंकि हमारी एसआई भर्ती की मांग में लिपापोती की जा रही है मंत्रियों के दबाव में। भाई लादू जी भी कुछ करना चाहेंगे? साथियों, हम लोग अपनी जान जोखिम में डालकर भूखे प्यासे यहाँ पर ही आपके लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कोई हमारा अकेला का, हम दोनों का कोई हक नहीं है, ये आप हम सब राजस्थान के भविष्य, युवाओं का भविष्य है, आने वाले हमारे छोटे भाई बहनों का भविष्य है। आज हमारे साथ तो गलत हुआ है, होता जाएगा, अगर अपन नहीं लड़ेंगे तो ये सिस्टम जो लाचार है ये हमारे साथ ऐसा ही करता जाएगा, लेकिन इसके लिए अगर हमें जान भी बाजी लगानी पड़ेगी, जान भी जोखिम में डालनी पड़ेगी, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तो अब इस मुकाम पर पहुँच चुके हैं कि अब हम नीचे नहीं उतरेंगे, हमने जिद कर ली, चाहे इसके लिए हमें नीचे कूदना भी पड़े, हमारे ऊपर गोले भी मारे, हम पर चाहे कितने मुकदमे लगाए, हमें कितना ही पीटे, हमें चाहे मरना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन साथियों आप पीछे डटे रहना, आप कमजोर मत पड़ना, आपके साथ गलत नहीं हो, हमारे साथ तो जो होगा देखा जाएगा, हमारा सारा ऊपर वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमारे साथ गलत होगा तो इसका जिम्मेवार प्रशासन और सरकार होगी,
लेकिन अपन इस सरकार से ये सचेत करना चाहते हैं कि हम कोई हिस्सा काम नहीं कर रहे हैं, हम थक हार के मजबूरन हमें आज तंगी पे चढ़ के आपसे अपील करनी पड़ रही है। आप 7 सीटों पर उपचुनाव है, जितने भी छोटे भाई बहन हैं आप सब वहाँ जाके मतदान का बहिष्कार करें और सरकार के नुमाइंदों से कहे हर एन प्रकरण आप भी प्रयास करिए और घरों से बाहर निकलिए और हमारे साथ मजबूती से आवाज बना के उठिए, क्योंकि अपन अपने हक के लिए लड़ रहे कोई हमारे निजी काम के लिए लड़े नहीं लड़ रहे। साथियों, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि पेपर माफियाओं को सजा देंगे, मगरमच्छ पकड़ेंगे, आखिर कब तक पकड़ोगे, कब तक इसको रीट करेंगे? साथियों, 20 लाख की रीट रद्द हो सकती है, सेकंड ग्रेड रद्द हो सकती है, ईओआर रद्द हो सकती है, एसआई भर्ती रद्द क्यों नहीं हो सकती? आखिर इसमें आप किसके दबाव में नहीं ले रहे हो, हमारे साथ न्याय करो। साथियों, जिस तरह पिछली सरकार में युवाओं का मन बदला तो वो एक कारण था। अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आते तो कहते थे कि जो ये भर्ती परीक्षा का मामला एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसमें हम पूरा अंतिम कार्यवाही तक जाएंगे, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी अमित शाह है और मोदी जी की बात का उल्लंघन कर रहे हैं। पिछली सरकार को युवाओं ने आईना दिखाया तो इस पेपर लीक के मुद्दे पर दिखाया, और आज ये भजन सरकार उसी मुद्दे पर लिपापोती करने का काम कर रही है। मैं निवेदन करना चाहूँगा तमाम साथियों से, अपना हौसला बनाए रखें, हमारे साथ जो होना है हो जाएगा, जो प्रशासन करेगा हमें सब कुछ मंजूर है, क्योंकि किसी को तो भगत सिंह बनना पड़ेगा। साथियों, सब लोग चाहते हैं कि हर घर में कोई भगत सिंह आगे आए, लेकिन ये कोई नहीं चाहता कि अपने घर में भगत सिंह पैदा हो। तो साथियों, निवेदन करना चाहूँगा तमाम साथियों से, आगे आए, प्रत्येक उपखंड और जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दें और इस लड़ाई में हमारा साथ दें, निश्चित रूप से हम विजयी होंगे, क्योंकि अभी तक हमारा एक भी पक्ष कमजोर नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार की आंखें फूट गई है। धन्यवाद साथियों।